हेलो वन, मेरा नाम है पराग पाल और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक एसएससी के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो आपको पूछते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको आपके रेगुलर इंजीनियरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे पांच टाइप का जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है कि ये जो इंजीनियरिंग सर्वे है ये बेसिकली पांच चीजों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मैप स्टडी, जिसको हम डेक्स स्टडी भी बोलते हैं। रिकनसेंस सर्वे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे, जो कि स्टार्टिंग पे और साइट विजिट और फील्ड सर्वे के लिए माना जाता है। देन प्रिलिमिनरी सर्वे, देन फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, एंड देन मैप स्टडीज। ओके, मैप ये अलग टाइप के मैप होते हैं। ये मैप स्टडीज और इस मैप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर? तो ये फाइव मेन इंपॉर्टेंस पैरामीटर है फॉर द इंजीनियरिंग सर्वे फॉर द हाईवे अलाइनमेंट। ओके, तो ये आपको लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि आप सारे चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैप स्टडी से और वन बाय वन हम इसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट वन विथ द मैप स्टडी। ओके, तो सबसे पहले मैं मैप स्टडी से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो क्या होता है मैप स्टडी को, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम उसको डेस्क स्टडी भी बोलते हैं। ये क्या होता है एग्जैक्टली? विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप्स जो कि अवेलेबल रहते हैं फ्रॉम द सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से, ऑफ वेरियस पॉसिबल रूट उसमें आपको अवेलेबल रहते हैं, जो आपको सजेस्ट करते हैं कि फर्दर डिटेल्स फॉर द प्रपोज हाईवे। मतलब देखा जाए, ये जो मैप स्टडी होती है विद रिस्पेक्ट टू द टोपोग्राफिकल मैप से हिसाब से की जाती है। ठीक है, ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ द टोपोग्राफिकल, ओके, टोपोग्राफिकल, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोपोग्राफिक मैप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप के हिसाब से ये स्टडी की जाती है और ये टोपोग्राफिकल जो मैप होता है ये आपको सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। ओके, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, ना उसके बाद ये जो मैप होते हैं ये आपको किस लिए, मतलब किस चीज के लिए यूज आते हैं। ठीक है, दिस मैप इज हेल्पफुल फॉर द वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव रूट। मिटे मतलब देखो आपको बताता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले। ठीक है, वेरियस पॉसिबल, ओके, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव रूट्स। ठीक है, जो भी आपके अल्टरनेटिव, मतलब कितने मैक्सिमम अल्टरनेटिव उस प्रपोज एरिया में निकल सकते हैं, कितने मैक्सिमम अल्टरनेटिव रूप आप अलाइनमेंट बना सकते हो, ये सारी चीजें आपको विद द हेल्प ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप आपको पता चलती है। जैसे मान लो कि आपके पास एक रूट है, ठीक है, ऑलरेडी इस रूट में से एक रोड यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, ये एक ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग रोड है, लेकिन आपको अभी एक जो रोड बनाना है वो तो यहाँ से लेके ऐसे जाने वाला है। ठीक है, मतलब इस एरिया में बनने वाला है, तो आपको ये देखना है कि ये रोड ऐसे जाएगा या इस रोड में और कुछ ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या। ठीक है, या फिर इस रोड में कुछ और एक ऐसा चेंजेस हो सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं क्या। ठीक है, ये सारी अलाइनमेंट, ये जो तीन कलर आपको दिख रहे हैं, दीज आर द थ्री डिफरेंट अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट किसके बेसिस पर मैंने निकाला? दिस अलाइनमेंट प्रपोज ऑन द बेसिस ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप। क्यों? क्योंकि जैसे आपने मेरा लास्ट स्ट्रीम देखी होगी, मैंने उसमें बताया था आपको कि जो आपकी अलाइनमेंट होती है ये बहुत दो तीन पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है, जैसे ट्रैफिक, ज्योमेट्रिक डिजाइन, इकोनॉमिक, अदर कंसिडरेशन, हिल रोड कंस्ट्रेंट, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको टोपोग्राफिकल मैप का यूज करके आपको डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट्स के ऑप्शन क्रिएट होते हैं, जिसमें से आपको एक फाइनल अलाइनमेंट फिक्स करना होता है जो इन सारे फैक्टर्स को फॉलो करती है। क्लियर? तो इसलिए मैप स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैप स्टडी में उतना ज्यादा डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, बट जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो फॉर अ हाईवे कंस्ट्रक्शन, देन यू फर्स्ट नीड टू गो फॉर द मैप स्टडी। आपको सबसे पहले मैप स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही आप अलाइनमेंट के बारे में डिफरेंट अलाइनमेंट, मतलब मान लो कि आपको रूट, एक रूट फाइनलाइज करना है, ठीक है, तो आप एक ही रूट के हिसाब से नहीं चलोगे, आप और 10 और दो तीन आप अलाइनमेंट निकालोगे, ताकि जो भी आपको आपके सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाए रहेगी, जिसके जिसके हिसाब से आप एक प्रॉपर तरीके से कितना लैंड एक्वायर्ड हो गया, सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो और एक फाइनल अलाइनमेंट बना सकते हो। ठीक है, नाउ
सेकंड जो था वो था अपना रिकनसेंस सर्वे, ठीक है। सेकंड जो था वो था रिकनसेंस सर्वे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर दोस्तों अभी आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आज के बाद से आपको अभी इतने न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं जो आपको किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो गेट और एसएससी के लिए इतने सारे न्यूमेरिकल मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर उतने ज्यादा न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो, ठीक है। चलो सेकंड है रिकनसेंस सर्वे। रिकनसेंस सर्वे में क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइट विजिट, ओके, साइट की विजिट करना, क्लियर, फील्ड सर्वे करना, ओके, एंड फील्ड सर्वे, ठीक है। साइट विजिट एंड फील्ड सर्वे इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द रिकनसेंस सर्वे, ठीक है। ये किस तरीके से की जाते हैं, जो साइट विजिट और फील्ड सर्वे हम करते हैं, जो फील्ड सर्वे हम करते हैं, दीज आर, ये सारे सर्वे हम सिंपल इंस्ट्रूमेंट के यूज करके करते हैं, ताकि हम किस तरीके से, ताकि ये किस तरीके, किस लिए करते हैं, बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा एडिशनल डाटा, एडिशनल डिटेल्स कलेक्ट कर सके, टू कलेक्ट, ओके, टू कलेक्ट दी एडिशनल डिटेल्स, ओके, एडिशनल डिटेल्स, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एडिशनल डिटेल्स, ठीक है, कलेक्ट कर सके, इसलिए हम फील्ड सर्वे करते हैं और साइट विजिट करती है, ठीक है। तो और एक चीज इसमें है, इस सर्वे से हमको ये पता चलता है कि हमारी प्रपोज अलाइनमेंट में भी चेंज हो सकती है, या थोड़ी मतलब उसमें कुछ अल्टरेशंस करना पड़ेगा या थोड़ी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो फील्ड सर्वे से आपको ये पता चलता है कि आपकी उस पर्टिकुलर जहां पे आपका रोड बनने वाला है और उसके पास में जो जो रोड है वहां के, उसके बारे में आपको थोड़ा एडिशनल डाटा मिलता है जो आपको मैप स्टडी से नहीं मिलता है, ओके। और साइट विजिट से आपको ये पता चलता है कि आपने जो अलाइनमेंट प्रपोज की है, मतलब जो आपने नया हाईवे बनाने के लिए जो आपने अलाइनमेंट बनाई है, जो आपने सेंटर लाइन बनाई है, उस सेंटर लाइन में या उस अलाइनमेंट में कोई चेंजेस तो नहीं करना है अपने को, कुछ इस तरीके से कुछ चेंजेस तो नहीं करना है, वेरियस कुछ कर्स तो नहीं आ रहे, और कुछ वहां पे इंप्लीमेंटेशन तो नहीं करना पड़ेगा, कोई अनदर अनदर और कुछ उसमें एक्स्ट्रा एडिशन तो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप मैप स्टडी करते हो, ये प्रोसेस उसी तरीके से होती है, पहले मैप स्टडी करेंगे फिर रिकनसेंस सर्वे करेंगे, ठीक है। तो मैप स्टडी में आपने जो अलाइनमेंट फाइनलाइज की थी, क्या वो अलाइनमेंट रिकनसेंस सर्वे करने के टाइम में आपको प्रॉपर तरीके से 100% आउटपुट प्रोवाइड कर रही है? अगर वो 100% आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस है। जैसे मान लो, जैसे मैं आपको एक बार फिर से समझा के बता होता हूँ, जैसे मान लो कि आपका एक जो अलाइनमेंट है, ये आपका अलाइनमेंट है जो आपने बनाया है, ठीक है। मान लो इस अलाइनमेंट में यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा कर देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक हिली एरिया वहां पे आ रहा है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गूगल अर्थ का यूज करके या दूसरी चीजों का यूज करके या मैप अपडेट ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मान लो कि आपने ये अलाइनमेंट यहाँ पे इस तरीके से बना दी, लेकिन जब आप उस साइड पे जाके देखते हो तो वहां पे आपको एक टेम्पल दिखता है, ठीक है, वहां पे आपको एक टेम्पल दिखता है। अगर आप ये, और मैंने कल के वीडियो में आपको वही बताया था कि अगर आपका रिलीजियन कुछ मैटर्स है तो आप उनको हाथ नहीं लगा सकते हो, बिकॉज इट इज सेंटिमेंटल मैटर्स, ठीक है। तो जब आपको ये सारी चीजें देखती है तो देन यू हैव टू शिफ्ट योर अलाइनमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। आपको यही नहीं, आपको एनवायरमेंटल कंसिडरेशन भी ध्यान में रखने होते हैं कि आप जिस जगह से आप अलाइनमेंट लेके जा रहे हो, क्या वहाँ पे बहुत सारी ज्यादा ट्री है जो आप कट करने वाले हो, क्योंकि अगर आप ट्री को कट करते हो तो वो आपके एनवायरमेंटल के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है, क्लियर। तो रिकनसेंस सर्वे वो सर्वे होते हैं जिसमें आपको साइट विजिट करनी होती है, ताकि आप अपने प्रपोज अलाइनमेंट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सके। और दूसरा होता है आपका फील्ड सर्वे, जिसमें आपको आपके आपका जितना भी जो डाटा होता है, एक्सेस डाटा जो आप कलेक्ट कर सकते, जितना ज्यादा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो उतना ज्यादा डाटा आप फील्ड सर्वे से कलेक्ट करते हो। ये दीज आर द प्राइमरी स्टेजेस ऑफ द एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब सबसे पहले मैप स्टडी करोगे, फिर आप रिकनसेंस सर्वे करोगे। जैसे आपने सुना होगा कि फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट है, फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट की वहां पे आपको ये पता चलता है कि वेदर दिस अलाइनमेंट इज प्रॉपर और नॉट, वहां पे अलाइनमेंट का बारे में डिस्कशन होता है, अलाइनमेंट अच्छी प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, उससे कुछ ज्यादा फैक्टर अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वेदर इट इज फाइनेंशियली लाइबल और नॉट, ठीक है, किस तरीके से सॉइल डाटा है, ये सारी चीजें एनालाइज की जाती है, उसके बोलते हैं हम फिजिबिलिटी स्टडी। और उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसके बारे में एक अनदर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें पता हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अभी हमारा थर्ड है, थर्ड जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, हमारे जो फर्स्ट जो एजेंडा था आज के वीडियो का, उसमें थर्ड लेवल पे था, वो थे अपने प्रिलिमिनरी सर्वे, ओके, प्रिलिमिनरी सर्वे,
ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हाईवे अलाइनमेंट में, ठीक है। दिस इज डन टू कलेक्ट द ऑल फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, सॉइल सर्वे, ड्रेनेज एंड हाइड्रोलॉजिकल डाटा, मटेरियल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे एंड अल्टरनेट अलाइनमेंट प्रपोज आफ्टर रिकॉग्निशन सर्वे, ठीक है। मतलब देखा जाए, ठीक है, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रिलिमिनरी सर्वे होते हैं, ये सर्वे हम इसलिए करते हैं ताकि हम डाटा कलेक्ट कर सके, ठीक है। दिस सर्वे डन, कौन सा भी सर्वे करो वो डाटा कलेक्ट करने ही किया जाता है, बट विच काइंड ऑफ डाटा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कौन कौन से डाटा कलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ओके, फिजिकल इंफॉर्मेशन, ओके, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ओके, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल्स, ठीक है। सेकेंड नंबर का है जो है वो है आपका सर्वे, सॉइल सर्वे, सॉइल सर्वे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा आपका क्या है, ड्रेनेज एंड हाइड्रोलॉजिकल डाटा, ओके। फोर्थ नंबर का जो है वो है आपका मटेरियल सर्वे, ओके। देन आता है आपका ट्रैफिक सर्वे, ओके। देन सिक्स नंबर पे आता है आपका अल्टरनेट अलाइनमेंट प्रपोज्ड, अल्टरनेट अलाइनमेंट प्रपोज्ड। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ, प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, बिकॉज अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही दोस्तों, ठीक है। मैं आपका ट्राई करूंगा हमेशा कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बोला कि प्रिलिमिनरी सर्वे इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑल सर्वे फॉर द हाईवे अलाइनमेंट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले होता है कि आपको फिजिकल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको देखना होता है, कि फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल मतलब क्या होता है, सॉरी मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे मान लो ये आपका हाईवे है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपका हाईवे, ठीक है। तो इस प्रोफाइल की, ये जो आपका प्रोफाइल है, मतलब प्रोफाइल की स्टडी करना मतलब क्या करना, अभी ध्यान में देखो। मान लो कि अपना हाईवे है और आपके हाईवे में आपने कभी देखा होगा क्रैक्स दिखती है आपको, ठीक है, ऐसी ऐसी क्रैक्स दिखती है जब आप हाईवे के ऊपर से गाड़ी चलाते हो, बहुत पुराना हाईवे, क्रैक्स दिखती है, ठीक है। तो मेजर काइंड ऑफ क्रैक्स आइडेंटिफाई करना सबसे पहली बात, मतलब फिजिकल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, सबसे पहले क्रैक्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्रैक्स आइडेंट मतलब आपके हाईवे में किस तरीके से क्रैक्स है। सेकंड वन इज बोथ मेजर डैमेज, मेजर डैमेज मतलब क्या, यहां से इतना रोड आपका खत्म, मतलब टूट गया है पूरा, ऊपर दुपड़ हो गया, ऊपर का बिटुमनस का कोर्स निकल के साइड में हो गया है, ठीक है, सिर्फ एकदम एकदम भद्दड़ रोड बन गया है, ठीक है, मतलब पूरा रोड की ऐसी तैसी हो गई है, ठीक है, मतलब होता है आपका क्या, डैमेज, डैमेजेस आइडेंटिफाई करना, ठीक है। थर्ड थिंग ये होता है कि आपको ट्री आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रीज कितने ट्रीज है साइड में, कितने ट्रीज है वो आइडेंटिफाई करना। फोर्थ नंबर, जो भी BSNL ऐसा हो गया, BSNL, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज होती है जो अपने टेली कम्युनिकेशन के वायर लाइन डालती है, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन वायर्स, ठीक है, जिसको हम OPC बोलते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना। उसके बाद किलोमीटर स्टोन आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किलोमीटर स्टोन आइडेंटिफाई करना। उसके बाद कितने स्ट्रक्चर्स है, मतलब मान लो कि ब्रिजेस कितने हैं, ओके, एग्जिस्टिंग ब्रिजेस कितने हैं, कलवर्ट कितनी है, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो आपका क्या, उसको क्या बोलते हैं, VUP कितने हैं, ठीक है, पेडेस्ट्रियन अंडरपास कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो जो भी आपकी गवर्नमेंट है, जैसे हमारी NHAI होती है, ठीक है, तो NHAI का जो किलोमीटर, जो हमारे NHAI जो होती है, ठीक है, तो NHAI ने जो लैंड एक्वायर्ड करके रखी है उसका किलो, उसके स्टोन आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्रपोज हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग चेनेज और एंडिंग चेनेज आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है। उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मान लो
कि आपका जो एग्जिस्टिंग रोड है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग रोड, ओके एग्जिस्टिंग रोड, ठीक है। उसके बाद उस रोड के सेंटर लाइन से आपका शोल्डर तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसके बाद उसके सेंटर लाइन से शोल्डर के बाद और कुछ जगह खाली है तो उसका रोड कितना है, शोल्डर से लेके आपका ड्रेनेज का स्लोप कितना है, जो अर्दन ड्रेनेज है, या मैनमेड ड्रेनेज है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर कौन कौन से पोजिशन होते हैं जहाँ जिस जिसके ऊपर आप ट्रैफिक सर्वे कर सकते हो, वो भी पोजिशन आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो देखा है तो फिजिकल इंफॉर्मेशन देखना, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शंस की, प्रोफाइल की, मतलब कि ये सारी चीजें उसमें आती है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप किसी सर्वे करने जाते हो तो आपको ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको ये भी देखना होता है कि उस लेवल के ऊपर किस तरीके से होटल्स है, कोई बड़ी चीजें है क्या, टेम्पल है क्या, ठीक है। ये सारी चीजें आपका फिजिकल इंफॉर्मेशन में आती है, लेकिन आपको एक चीज जानना है, आपको इन सारे पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, क्रैक्स के ऊपर, डैमेज के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, ओपीसी लाइन के ऊपर, किलोमीटर स्टोन के ऊपर, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे आती है। नाउ सेकेंड वन जो होता है वो रहता है आपका सॉइल सर्वे। जैसे अभी मैंने प्रिलिमिनरी सर्वे में आपको बताया कि सेकेंड नंबर पे जो था वो था मेरा क्या, सॉइल सर्वे था, ठीक है, सॉइल सर्वे। ये सॉइल सर्वे में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मान लो ये आपका हाईवे है, ठीक है, दिस इज योर हाईवे, ठीक है। अभी मुझे बता हाईवे के नीचे कौन कौन सी लेयर रहती है। चलो मान लो मैं यहाँ पे लेयर बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मान लो कि ये आपका हाईवे है, तो सबसे पहले ऊपर रहते हैं आपकी बिटुमिनस की मटेरियल, बिटुमिनस लेयर जो रहती है वो रहती है। फिर उसके नीचे रहते हैं आपका डेंस बाउंड मैकेडम रहता है, ठीक है। फिर उसके नीचे रखता है आपका वाटर बाउंड मैकेडम रहता है, ठीक है, राइट। फिर उसके नीचे आपका सब जो आपका ग्रेनुलर सब बेस रहता है, ठीक है। फिर आपका रहता है सब सब कॉम्पैक्टेड सब बेस रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका पूरा क्लासिफिकेशन होता है, राइट। तो अभी सॉइल सर्वे में क्या क्या होता है, सॉइल सर्वे में सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका ऑप्टिमम, ओके ऑप्टिमम मॉइस्चर, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद ड्राई डेंसिटी आइडेंटिफाई करना, ओके। उसके बाद आपको फील्ड ड्राई डेंसिटी, मतलब वही हो गया। उसके बाद आपको जो भी आपकी एग्जिस्टिंग रोड है उसकी लेयर्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है, मतलब हर बीसी का लेयर कितना है, जो आपका एग्जिस्टिंग रोड है उसका लेयर्स आइडेंटिफाई करना, डीबीएम आइडेंटिफाई करना, डब्ल्यूएम आइडेंटिफाई करना। उसके बाद सॉइल स्ट्राटा, सॉइल जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी सॉइल सैंपल है उसको कलेक्ट करके उसकी टेस्ट करना, ताकि आप ये डिटरमाइन कर सके कि उसका फाइनेस पार्टिकल कितना है, उसमें मॉइस्चर रेशियो कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें एनालिसिस करने के लिए आपको सॉइल सर्वे करना होता है। सॉइल सर्वे से आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है, जो आप सॉइल कलेक्ट करोगे उससे आपको ये पता चलेगा कि वॉट इज द सीबीआर ऑफ द पर्टिकुलर पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है। कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि क्यों, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द सीबीआर इटसेल्फ आपको ये पता चलता है कि वहां पे आपको किस कितने रिसेप कितने पोर्शन का आपको थिकनेस प्रोवाइड करनी है उस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर। तो सीबीआर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो आपको निकालने के लिए आपको सॉइल कलेक्शन करना बहुत जरूरी है। और सॉइल करेक्शन भी आपको पर्टिकुलर रेंज के, मतलब 100 मीटर के रेंज के ऊपर, 500 मीटर रेंज के ऊपर, अगर सॉइल स्ट्रेटा में बहुत वेरिएशन हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके उसके बेसिस के हिसाब से, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके बेसिस के हिसाब से आपको ये अमाउंट, ये वैल्यू जो होती है कलेक्ट करनी होती है, मतलब सॉइल कलेक्ट करनी होती है, ताकि आप सीबीआर कर सके ना। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होती है कि मान लो कि आपका ये जो रोड है, एग्जिस्टिंग रोड है, इसका अगर आपको डिफ्लेक्शन चेक करना है, ठीक है, तो आप दो चीजें यूज कर सकते हो, एक तो बेंकलमैन डिफ्लेक्टोमीटर यूज कर सकते हो, और दूसरा कर सकते हो FWD, जिसको हम फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर भी मशीन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टेस्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन ये दो टेस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं कंपेरेटिवली ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज ये तो चीजें हमारे NHAI जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये सारी चीजें करना होता है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से हाईवे को डिजाइन कर सके। बट अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग रोड को ओवरले बनाना है, मतलब उसके ऊपर ही कोई रोड बनाना है, तो आपको FWD या फिर बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्टोमीटर, ये दोनों टेस्ट करनी होती है, ठीक है। नाउ अभी हम थर्ड इसमें आएंगे, जो है था अपना ड्रेनेज। ड्रेनेज में भी आपको ये, मतलब ड्रेनेज और हाइड्रोलॉजिकल डाटा में आपको यही चेक करना होता है कि अगर आप कोई अलग तरीके से हाईवे डिफाइन करने वाले हो, अलग जो आप प्रपोज करने वाले हो, तो उसके लिए आपका ड्रेनेज कितना रहना चाहिए, वहां पे आपका रेनफॉल इंटेंसिटी आपको चेक करना पड़ेगा,
कितना रेनफॉल होता है, कितनी रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी कि कितना हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, कितनी लेवल तक, कितना सेंटीमीटर तक आपका वाटर हर साल यहाँ पे कलेक्ट होता है, इससे चोकअप तो नहीं होता है। क्योंकि ड्रेनेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है देन इट अफेक्ट यूअर हाईवे। अगर आपका हाईवे को अगर आपका वाटर परकोलेट हो जाता है इंटर साइड में, ड्यू टू व्हाट, आपका हाईवे का टोटल जो सब बेस है या पूरा आपका अंदर का जो स्ट्रक्चर है इट विल गेट डैमेज। ठीक है, तो उसको प्रिटेंड करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके लिए आपको हाइड्रोलॉजिकल डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हाइड्रोलॉजिकल डाटा नहीं है तो आप ड्रेनेज को डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से हाइड्रोलॉजिकल डाटा है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट है हमारा कितना, मटेरियल सर्वे। देखो मटेरियल सर्वे में यही आता है, मटेरियल सर्वे में अभी जो बोला सीबीआर, ठीक है, सीबीआर इज अ वन काइंड ऑफ द मटेरियल, सीबीआर मटेरियल सर्वे में ही आता है, जिसमें से आप जो सॉइल डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, जो आप सॉइल डाटा कलेक्ट करते हो उससे आप अपने रोड का, जो भी आपका हाईवे बनने वाला है उसका आप थिकनेस डिफाइन करते हो। ठीक है, क्लियर। थिकनेस में मतलब क्या कि अपना बिटुमिनस कोर्स कितना रहेगा, आपका डीबीए डेंस बाउंड मेकेडम कितना रहेगा, आपका वेट वाटर मिक्स मेकेडम कितना रहेगा, ठीक है, आपका ग्रेनुलर सबबेस कितना रहेगा, ये सारी चीजें आपको सॉइल का सीबीआर निकालने के बाद ही आपको पता चलती है, इसलिए ये मटेरियल सर्वे में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो कि आपका अल्टरनेट अलाइनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि रिकनसेंस सर्वे में हम यह एनालिसिस करते हैं कि हमारी कोई अल्टरनेट ये पर्टिकुलर अलाइनमेंट के लिए कोई दूसरी अलाइनमेंट तो नहीं बना सकते, या यहाँ पे अगर कुछ टेम्पल है तो यहाँ से कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है, या इस रोड को मुझे अलग तरीके से कुछ दूसरी जगह पे मोड़ के मैं कहीं लेके तो नहीं जा सकता हूँ, या फिर मैं अगर मैं रोड में कुछ अलग तरीके से ऐसे जंक्शंस क्रिएट करके, ठीक है, ऐसे जंक्शंस क्रिएट करके मैं अलग तरीके से लेके तो नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है, अभी ये तो मैंने कुछ अलग ही बना दिया, ठीक है, लेकिन ऐसे सारी चीजें उसमें आती है जो आपको बताती है कि देर इज अ अल्टरनेट सर्विस। ओके, अगर आप कुछ अल्टरनेट ढूंढ सकते हो ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी सर्वे आपके अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि अलाइनमेंट को फाइनलाइज करना। जब आपकी अलाइनमेंट फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हो। अगर आपके अलाइनमेंट फाइनलाइज नहीं होते तब तक आप स्टार्टिंग आगे की टिपिकल क्रॉस सेक्शंस, ओके, ये सारी चीजें के ऊपर भर दे ही नहीं सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे में तीन टाइप के अप्रोच रहते हैं। ठीक है, मतलब तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे क्लिक के देता हूँ मैं आपको, प्रिलिमिनरी सर्वे। ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे में तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है, उसका क्लासिफिकेशन आप इस तरीके से पकड़ लो। सर्वे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन और एक क्लासिफिकेशन है, वो है आपका कन्वेंशनल अप्रोच। ओके, कन्वेंशनल अप्रोच, ठीक है, देन नेक्स्ट इज द रैपिड अप्रोच। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज अ मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ प्रिलिमिनरी सर्वे। ठीक है, आप इनको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखो, दिस थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिमिनरी सर्वे। अभी कन्वेंशनल अप्रोच होता क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच नथिंग, कन्वेंशनल अप्रोच क्या होता है, जिसमें आप सर्वे करते हो विद द हेल्प ऑफ द सर्वे यूजिंग फील्ड इक्विपमेंट, मतलब इसमें फील्ड इक्विपमेंट का यूज करते हो। ठीक है, मतलब फील्ड का पूरा जितना भी डाटा होता है वो आप डाटा कलेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ द फील्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है, जैसे सॉइल का वगैरह पकड़ लो, ठीक है, मेजरमेंट्स पकड़ लो। ओके, मेजरमेंट्स लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग रोड की मेजरमेंट्स लेना, कलेक्टिंग टोपोग्राफिकल डाटा। ओके, टोपो डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, मतलब जितना भी आपका कितना वाटर है एवरीथिंग आपको कलेक्ट करना होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रेनेज एवरीथिंग आपको कन्वेंशनल अप्रोच में करना होता है। ठीक है, रैपिड अप्रोच क्या होता है, जिसमें आप एरियल फोटोग्राफ लेके काम करते हो। ठीक है, एरियल फोटोग्राफ्स लेके आप स्टडी करते हो। ठीक है, क्लियर, एरियल फोटोग्राफ, ये रैपिड सर्वे मतलब ये आपके मतलब आपके ऑफिस में बैठ के आप ये सारे चीजें कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फोटोग्रामेट्री मीटर, ठीक है, इसमें आती है आपकी फोटोग्रामेट्री। ओके, फोटो मेट्रिक अप्रोच, ठीक है, मतलब आपने पिक्सल के नाम में
बारे में सुना होगा, पिक्सल सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें गूगल अर्थ का यूज करके आप पूरा एक ऐसा इस टाइप का एक पूरा मैप क्रिएट कर सकते हो, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसका, जिसमें आपको पूरा अलाइन, जो भी आपने अलाइनमेंट फिक्स किया उसका पूरा आपको क्या मिल जाता है, पूरा आप एरिया मिल जाता है कि आप वहां से ऊपर से देख सकते हो कि हाँ वन, मतलब गूगल अर्थ का यूज करके 1 मीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रख के या 500 मीटर का डिस्टेंस रख के आप एक पूरा गूगल प्लेक्स इस सॉफ्टवेयर का यूज करके ऑटो कैड में पूरा ये चीजें बना सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ मॉडर्न टेक्निक, जैसे जीपीएस का यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ताकि आपको प्रिलिमिनरी सर्वे इजी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी सर्वे में आती है। नाउ अभी हम आते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, जो है हमारा फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। फाइनल लोकेशन ओके एंड डिटेल सर्वे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेंटर ऑफ द जो मतलब जो हमारी अलाइनमेंट होती है, जब हम उसको फाइनलाइज करते हैं इन द ड्राइंग, इज टू बी ट्रांसपोर्ट टू द ग्राउंड ड्यूरिंग द लोकेशन सर्वे, ठीक है। मतलब जो भी हमारी अलाइनमेंट होती है जब हम उसको फाइनलाइज करते हैं, मान लो इस टाइप की हमारी अलाइनमेंट है, हमने इसको फाइनलाइज कर दी, मतलब हमारी सेंटर लाइन जो भी है उसको मैंने फाइनल कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको हमको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग लोकेशन सर्वे। मतलब क्या, जब आप ये अलाइनमेंट लेके साइट पे जाते हो तो उस अलाइनमेंट के पॉइंट आपको जो जहां पे भी आप बनाने वाले हो वहां पे उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन सर्वे, फाइनल लोकेशन सर्वे, डिटेल सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लेवलिंग वर्क, ठीक है। लेवलिंग वर्क, अभी आप बोलेंगे यार लेवलिंग वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा कि अपने कॉलेज में जब आप पढ़ाई करते थे, ठीक है, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने ये चीजें सुना होगा वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है, मान लो कि एक मेरे पास एक अलाइनमेंट है, ठीक है, वर्टिकल मतलब क्या, ड्यूरिंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने अलाइनमेंट एक मतलब एक प्रोफाइल निकाला गूगल अर्थ से, और ये मेरी जो है, ठीक है, ये मेरी अलाइन, ये जो निकाला ब्लैक कलर का, ये मेरा एक एग्जिस्टिंग लेवल है हमारे रोड उस पर्टिकुलर ग्राउंड की, ठीक है। और जो मेरी अलाइनमेंट जाने वाली है, जो मेरी सेंटर लाइन जा रही है, वो मेरी कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि ये जो रेड कलर है मतलब उस लेवल से मेरा रोड जाने वाला है, ठीक है। और जो ब्लैक लाइन है उससे आपको ये समझ में आता है कि ये मेरा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे इतना एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। मतलब ये ब्लू कलर जहां जहां पे कर रहा हूं मैं, उतने एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, उतने एरिया में आपको आपका डाटा भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, इधर का सॉइल मास कट करके, मतलब वहां पे सॉइल मास नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट अलग कलर लेके उस करता हूं, हाँ, आपको इतना पोर्शन आपको कट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर मैंने दिया है उस कलर में आपको डाटा फिल करना पड़ेगा ताकि आपको ये रेड कलर की लाइन प्रॉपर तरीके से मिल सके। मतलब फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे करना मतलब क्या, लेवलिंग करना, लेवलिंग वर्क करना मतलब क्या, कटिंग कितना होगा और फिलिंग कितना होगा मटेरियल का ऑन द ग्राउंड, ये आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। मतलब अर्थ वर्क के कैलकुलेशन करना, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या करना, इसको बोलते हैं अर्थ वर्क कैलकुलेशन, ओके, अर्थ वर्क कैलकुलेशन करना, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थवर्क कैलकुलेशन करना। उसके बाद सॉइल सर्वे करना, जो कि हम फिर से सॉइल सर्वे करते हैं, बिकॉज जब आप कटिंग फिलिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छा डाटा मिलता है सॉइल सर्वे का, ताकि आप डिटेल इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकें, ठीक है। जब भी आप लेवलिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉइल डाटा की जरूरत होती है, ताकि आप और उसको डिटेल में एनालिसिस कर सको, ठीक है। और इसका यूज करके आप एक इलाबरेट प्रिपेयर चार्ट, मतलब इन सारी चीजों का यूज करके आप एक चार्ट प्रिपेयर करते हो, जिसका यूज करके आपको ये पता चलता है कि आपको किस किस तरीके से एस्टिमेशन करना है सारे चीजों का। मतलब आपको ये एनालिसिस करना होता है कि यहाँ से आप कितना मीटर, कितना मेट्रिक क्यूब आप डाटा यहाँ से डिलीट कट करने वाले हो, और कितना मेट्रिक क्यूब डाटा आप यहाँ पे फिल करने वाले हो। अगर आप यहाँ पे डाटा फिल करने वाले हो, ठीक है, तो बाकी का जो बचना है वो आप किधर डंप करने वाले हो, चलो ना। मतलब मान लो कि आपने यहाँ से इतना डाटा कट किया, यहाँ पे थोड़ा फिल किया, फिर बाकी का डाटा आप कहाँ पे फेंकोगे या कहाँ पे जमा करोगे, उसको किस तरीके से यूज करोगे कंस्ट्रक्शन के लिए, ये सारी चीजों की रिपोर्ट भी देना बहुत जरूरी होता है। और ये सारी चीजें हमको मांगते हैं जो कि हमारा क्लाइंट होता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट
क्रिएट करती है, वो सारी सारी इन सारी चीजों को हमें भर देना होता है। ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे आपने देखा कि मैंने स्टेजेस में आपको बताया कि देयर आर द फोर टाइप्स, फाइव टाइप्स: मैप स्टडी, रिकनसेंस, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल लोकेशन। लास्ट वन इज अ मैप विच इज ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो कौन कौन से मैप होते हैं ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जो अभी 1-1.5 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।